अब ये जो लाइटें हैं 18 सेक्टर की, वो इस जेट के नाम से ही पहचानी जाती हैं, इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर, भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र। रिसेंटली ही अभी ये ओपन हुआ है चंडीगढ़ में। मिग 21 का टर्बो जेट, इसका ये इंजन है और यहाँ पे मिसाइल पड़े हैं, जो मिसाइल यूज़ होते हैं जब दुश्मन हमला कर देता है तो उसके लिए ये लिखा हुआ है बॉम्ब। 450 kg का है ये। तो इस तरीके से आप जेट के कॉकपिट का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये देखने में कैसा है। और एक कैफे तो भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी ओरिजिनल मिसाइल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अंदर एंटर करते ही। सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो। आज मैं आ गया हूँ चंडीगढ़ के एयर फोर्स सेंटर में, तो चलो अंदर लेके चलता हूँ और आपको पूरी डिटेल देता हूँ आज की, इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। चलो चलते हैं और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अभी मैंने कार पार्क कर दी है और पार्किंग की कुछ फैसिलिटी ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 18 की लाइट्स पे ही। ये भाई अंदर, क्योंकि जितनी कारें लग सकती थी लगा दी है और बाकी सब ने बाहर लगाई हुई है इस तरीके से। तो जब आप आओगे, अगर आप फोर व्हीलर्स पे आते हो तो आपको इस तरीके से पार्किंग करनी पड़ सकती है। अगर अंदर कोई और एक्स्ट्रा पार्किंग है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जाके। तो चलो चलते हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हैं ना कि एयरफोर्स सेंटर में किस किस तरीके की इन्होंने जेट्स हमको दिखाए हुए हैं और क्या क्या एयरफोर्स की हिस्ट्री बताई हुई है। और चलो अंदर चलते हैं और ये व्लॉग स्पेशली अपने बच्चों को पक्का दिखाना, कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और हो सके तो अगर आप ट्राई सिटी में रह रहे हो तो बच्चों को लेके पक्का आना यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो तो मैंने चंडीगढ़ के रिलेटेड सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसपे मैंने बताया हुआ है प्लेसेस टू विजिट इन चंडीगढ़, फेमस प्लेसेस, टॉप प्लेसेस। आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चंडीगढ़ से बाहर ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चंडीगढ़ घूमने आना चाहते हो तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई अभी मैं हूँ सेक्टर 18 में और ये सेक्टर 18 की लाइटें हैं और यहाँ से आपको दिख जाएगा इंडियन एयरफोर्स सेंटर। ये रहा कॉर्नर पे ये बिल्डिंग है और इस की पहचान है जो सबसे ज़्यादा, वो ये है। देखो भाई सामने इन्होंने एक जेट लगाया हुआ है और अभी ये जो लाइटें हैं 18 सेक्टर की, वो इस जेट के नाम से ही पहचानी जाती हैं कि अगर ये एक तरह से यहाँ का पॉइंट बन चुका है। ये देखो भाई कितना सही लग रहा है। और ये दिखा देता हूँ, इसकी जो इनॉग्रेशन की थी ये सामने इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं बिल्कुल जेट के नीचे खड़ा हूँ। देखो भाई कितना सही लग रहा है। यहाँ इस लाइटों पे कोई भी बंदा खड़ता है ना तो वो इसको पक्का देख के जाता है, इस जेट को। तो पहचान बन चुकी है। अब आगे चलते हैं। चंडीगढ़ का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। आपको देखो सामने बिल्डिंग आ गई है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर, भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र। तो रिसेंटली ही अभी ये ओपन हुआ है चंडीगढ़ में। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल जाएगी अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि आपने इंडियन एयर फोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, उनके जेट्स कैसे होते हैं। तो कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है भाई इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर की। और यहाँ पे एक और जेट भी बना हुआ है, आपको ये भी दिखाता हूँ पास से। आपको एंट्री से पहले ही दो जेट मिल जाएंगे, एक वो सामने है और एक ये रहा। ये देखो भाई ये है मिग 21, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 96, दिखा देता हूँ। ये देखो मिग 21 टाइप 96। तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, आप यहाँ पे आके इस चीज़ को पढ़ सकते हो और देख सकते हो। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसका वो रहा कॉकपिट एरिया जहाँ पे पायलट बैठता है, लेकिन अभी इसको बंद करा हुआ है। आप फ्यूचर में शायद इसको खोल भी देंगे, यहाँ से आप अंदर जाओ और अंदर बैठ के भी आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये देखो भाई पूरा दिखा देता हूँ, कितना शानदार लग रहा है ये। तो ये हमारे इंडियन एयर फोर्स के जो जेट्स हैं उनको दिखाया गया है यहाँ पे। और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी यहाँ की मेन एंट्रेंस। तो चलो अभी अंदर पहले देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, वीडियो शूटिंग अलाउड है या नहीं और टिकट प्राइस क्या है, वो मैं आपको पहले यहाँ से जाके अंदर फिर बताता हूँ। तो मैं एंट्री पे हूँ और ये देखो ऐसी एंट्री पे ये पेंटिंग्स, 3D पेंटिंग है यहाँ पे।
सामने भी 3D पेंटिंग लगी हुई है इस साइड भी, और एंट्री पे ये एक मॉडल रेडी करके रखा हुआ है। ये भी हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का, उसका मॉडल है। एक और यहाँ पे मॉडल्स एंट्री पे बनाए हुए हैं, देखो छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है। तो भाई अभी अंदर चलते हैं, मेरा वे टू इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। और एंट्री पे ही आपको ये 3D पेंटिंग्स मिल जाएंगी, ये देखो दोनों साइड कितनी प्यारी लग रही है। और ऊपर ये जेट बने हुए हैं, तो भाई होप करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। अंदर चलते हैं आप। तो भाई ये है कुछ अंदर का कॉरिडोर जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, तो लॉबी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी सारी ये 3D पेंटिंग्स बनी हुई है एयरपोर्ट सेंटर की। अभी हम अंदर जाएंगे टिकट बाय करके। ये कीरा जेट, ये देखो सामने कितना सही लग रहा है। और ये भी यहाँ पे MiG-21 का जो टर्बो जेट, इसका ये इंजन है। और ये देखो भाई जेट का इंजन है। तो भाई अगर आपने जेट का इंजन देखना है तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। एक और इंजन वही है कि ये जेट का इंजन है जो आपके सामने है, देखो कितना बड़ा होता है ये इंजन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये MiG-27 ML का इंजन है और सामने MiG-21 का इंजन था, और कुछ इस तरीके से है। और सामने एक और जेट लगाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ उसको पास ले जाके इसको भी। तो यहाँ पे है ट्रेनर 32 कंट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस जेट की भी। तो फिलहाल के लिए ये जो जेट्स हैं इनकी एंट्री बंद करी हुई है, वो अभी पता नहीं क्यों है। और यहाँ पे मिसाइल पड़े हैं, ये देखो भाई जो मिसाइल यूज़ होते हैं जब दुश्मन हमला कर देता है, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है बॉम्ब 450 kg का है ये भाई, 450 kg का बॉम्ब। और ये रॉकेट जो भी होता है ये, तो यहाँ पे पड़ा है। तो जब ये लॉन्च होता है तो दुश्मन की तरफ इसे लॉन्च करते हैं। और ये रहा एक और। तो अंदर जाने से पहले ही ना आपको यहाँ पे इतना कुछ दिख जाएगा कि आप है ना, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो। अभी तो टिकट लेने से पहले ही आपको देखो बाहर दो जेट मिल जाएंगे, उसके बाद इंजन दिख जाएंगे, उसके बाद एक और अंदर आते ही एक और जेट मिलेगा देखने के लिए। और आप इनको एक बिल्कुल पास आके एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये देखने में कैसे होते हैं। और ये जो तीन जेट मैंने आपको दिखाए हैं बड़े बड़े, ये सारे रियल हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, फ्यूल योर विंग्स। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी रेडी हो रहा है, हाँ ये कैफ़े भी है यहाँ पे, तो आप अंदर कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हो। देखो कैफ़े बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई, इस कैफ़े की जो वॉल है, यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली, टोक्यो और है मॉस्को, यहाँ सबकी टाइमिंग लगाई हुई है। टाइम जोन यहाँ पे दिखाया हुआ है सारे कंट्रीज़ का। और जो सिटिंग एरिया है बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। तो ये है कैफ़े की एंट्री, चंडीगढ़ हेरिटेज एयरफोर्स सेंटर का ये कैफ़े है, अंदर आपको मिलेगा उसकी एंट्री है। और यहाँ पे आप अंदर बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो और बुक्स पढ़ सकते हो। और जो बुक्स यहाँ पे दे रखी हैं सारी इंफॉर्मेशन है उनमें, यहाँ के जो प्लेन्स हैं, जेट्स हैं। ये देखो ये टेबल्स कितने प्यारे यहाँ पे रेडी करे हुए हैं। इस कैफ़े को देखने के बाद अभी हम चलते हैं मेन जो अंदर की एंट्री है, वहाँ पे देखते हैं वीडियो अलाउड है या नहीं। अभी टिकट बाय करते हैं और टिकट प्राइस आपको बताता हूँ क्या है। बाहर ही आपको इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिल जाएगा ना कि आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और हिस्ट्री के बारे में हमारी एयरफोर्स की, इंडियन की, तो अच्छी चीज़ है। ये देखो ये भी ओरिजिनल मिसाइल्स हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, तो ये भी ओरिजिनल मिसाइल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अंदर एंटर करते ही, जिस एरिया में ये कैफ़े बना हुआ है। ये देखो इस साइड कैफ़े है सारा कुछ ये एरिया, और साथ में आपको ये मिसाइल भी दिख जाएंगे। तो ये देखो भाई, और इन मिसाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई खुद यहाँ पर आओ और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके जाओ, आपको अच्छा लगेगा देखने में और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपके बच्चों को, खुद को। तो अभी जून मंथ चल रहा है और हॉलीडेज़ भी हो रखी हैं बच्चों की, तो आप इस जगह पे तो पक्का आके जाओ अगर आप चंडीगढ़ में हो
या चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज में रह रहे हो। तो बाहर मैंने सारा ये साइड एक्सप्लोर कर ली है और अभी हम जा रहे हैं टिकट बाय करने। अभी मैंने टिकट बाय कर ली है और 50 रुपीज़ की टिकट है। तो इसके अलावा एक और टिकट है जिसका प्राइस 295 रुपीज़ है और उसके अंदर सिमुलेटर्स हैं और VR एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर मंडे को बंद होता है, तो आप मंडे को मत आना। तो अब मैं आपको मिलूंगा वीडियो के एंड में और चलो मेरे साथ आप वर्चुअली टूर करो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से पहले तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री मिल जाएगी हमारी एयरफोर्स की, कि यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सी है ना इन्होंने जंगें यहाँ पे लड़ी थी हमारी कंट्री के लिए, और उनके यहाँ पे प्रॉपरली नाम और प्रॉपरली जो उनके बैज हैं जो कौन से स्टार होते थे तो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। और ये देखो एक 3D पेंटिंग है, कितनी सही लग रही है। आगे चलते हैं तो आगे भी देखने को बहुत कुछ है, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रखी हैं और किस तरीके से वो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और कौन सी है ना हमने जो जीत हासिल की थी, सब कुछ है। और वहाँ पे जो मेन जो उनके ऑफिसर रहे थे उनके भी यहाँ पे स्टैचूज बनाए हुए हैं। ये देखो जो समुंदर में भी ये लड़ाई करते हैं हमारे जो जेट्स होते हैं, ये देखो किस तरीके से हमला कर रहे हैं दुश्मन में। टैंकों के भी यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे इन्होंने डमीज बना के रखी हुई हैं। और ये देखो कितना बड़ा जेट है जो आपको अंदर भी देखने को मिलेगा, और उसके सामने एक ये भी है सामने का पार्ट उसका। और ये ऑफिसर्स की जो यूनिफॉर्म है जो उन्होंने कभी यूज़ की होंगी अपने टाइम में, तो ये रखी हुई है यहाँ पे, उनके मफलर्स, उनके ग्लव्स, उनके शेड्स, सब कुछ है यहाँ पे। ये देखो तो इनको देख के बड़ा ही अच्छा फील होता है। और ये जेट देखो भाई कितना बड़ा है, मैं ये सोच रहा हूँ इसको ये अंदर भी कैसे लेके आए होंगे। और सच में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको दिखाया है और डिस्क्राइब किया है। ये देखो लड़ाई हो रही है और किस तरीके से ये लड़ाई हो रही है उन्होंने वो भी दिखाई हुई है। ये देखो किस तरीके से जेट हमला करते हैं दुश्मन पे, डमीज के थ्रू बताया हुआ है। और ये 1965 की जो वॉर है वो दिखाई हुई है। वॉर के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ये देखो ये बैक साइड हम अब आ गए हैं इस जेट की, बहुत ही सही एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा आके। ये देखो ये अब पूरा सेक्शन आ गया है जहाँ पे अपकमिंग जेट्स और अपकमिंग मिसाइल्स हैं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करेगी, तो वो दिखाए हुए हैं डमीज के रूप में। कुछ इसमें रियल भी हैं कुछ डमीज भी हैं, तो आपको वो पता लग जाएगा। ये देखो पूरा सेक्शन है आगे तक जिसमें बताया गया है कि कौन से जेट जो अपकमिंग आने वाले हैं और कौन से जो अभी करंटली यूज़ भी हो रहे हैं। और ये देखो इस तरीके से ये दूसरी साइड अभी ये वॉल आ गई है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं जो मेन ऑफिसर्स हैं हमारे एयरफोर्स के, चीफ जिनको बोला जाता है, तो उनकी पूरी वॉल है, उनके लिए डेडिकेटेड है ये वॉल, फर्स्ट से लेके जो करंटली अभी तक जो ड्यूटी में हैं। और आगे भी चलते हैं, बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। और ये अभी आ गए हमारे पास जो बैजेस हैं जो मिलते हैं, रैंक्स मिलते हैं उनको। और इसके आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है जो यूनिफॉर्म्स आज से जो यूनिफॉर्म डेवलप हुई है पहले से लेके अब तक। ये देखो पहले कैसे यूनिफॉर्म होती थी, हाफ पैंट्स थी, अब फुल पैंट हो गई है, तो सब कुछ है यहाँ पे दिखाया गया है। आगे चलते हैं अभी हम, ये वॉर फिर से एक वॉर दिखाई हुई है, ये देखो मिसाइल्स जो अपकमिंग आने वाले हैं, ये देखो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर होता है, ये वो वाला हेलीकॉप्टर है ये। और ये जो वॉल है ये स्पेशली वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि वुमेन्स भी अब आ चुकी हैं एयरफोर्स में आ चुकी हैं। ये देखो नारी शक्ति, यहाँ से कंट्रोल किया जाता है पूरा एयरफोर्स को और एयरक्राफ्ट्स को किस तरीके से
ये ऑफिस दिखाया गया है। ये जेट एक और, इस पॉइंट पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, यहाँ पे खड़ के अपना फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। और आगे सिमुलेटर्स रूम, आगे वीआर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये देखो अंदर लोग कर रहे हैं जिन्होंने 295 रुपीज़ वाली टिकट ले रखी है। और इस तरीके से आप वीआर एंजॉय कर सकते हो, वर्चुअल रियलिटी, और प्लेन उड़ा सकते हो एक तरीके से आप यहाँ पे खड़ के, और पूरा एक्सपीरियंस आपको रियल लगेगा। यहाँ पे भी जो ये बने हुए हैं सिमुलेटर, ये देखो सिमुलेटर 3 आ गया, सिमुलेटर 2, इनके अंदर आप जाओगे और आपको ये फील होगा कि आप रियल में एक प्लेन को, जेट को उड़ा रहे हो। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ पे आके ले सकते हो और अपने बच्चों को भी करवा सकते हो। और इस तरीके से आप एक रियल जेट में चढ़ने की पूरी फील ले सकते हो। ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंदर बैठ के जो आपको सामने पूरा एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक अंदर से जेट कैसा होता है, उसमें कौन सी है ना चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो भाई एक अंदर से कैसा लगता है एक जेट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस था एक अच्छा लगा कि एक पायलट को क्या फील होता होगा, कैसे उसको दिखता होगा अंदर से। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ पे अंदर बैठने का। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और मैं पूरा अंदर से एक्सप्लोर करके आया हूँ, मैंने आपको जैसे वीडियोस में भी दिखाया। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार यहाँ पे पक्का विजिट करके जाना, बहुत ही अच्छी जगह है। अब ये जगह भी ऐड हो चुकी है मस्ट टॉप प्लेसेस टू विजिट इन चंडीगढ़, है ना, तो ये जगह पे पक्का आके जाना सेक्टर 18 में। भाई अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके पक्का जाना। अगर मेरी वीडियो देख के आप इस जगह पे आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का मुझे बता के जाना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय।